आजकल की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो चुकी है और अपने जीवन में परिवर्तन चाहने वाले लोग सोचते हैं कि चेंज इज द रिजल्ट ऑफ सम बिग डिसीजन, जैसे कि मुझे करियर बदलने की जरूरत है, मुझे किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है, मुझे फिटनेस पे ध्यान देना है, मुझे अपने पढ़ाई में फोकस करना है और ऐसे ही बहुत कुछ सोचते हैं। पर कुछ लोग यह नहीं जानते कि जो काम वो कर रहे हैं उन्हीं में उनको खुशी मिल सकती है। और हाँ, चेंज लाइफ में जरूरी होता है ताकि आप ग्रो कर सके, और इन सब की शुरुआत होती है आपके डेली रूटीन के लाइफ में छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट के साथ। और इन्हीं डेली इम्प्रूवमेंट से आपकी लाइफ में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, कुछ ऐसा जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली लाइफ हैक्स के साथ। फर्स्ट, लर्न टू कुक अ हेल्दी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वन कैन लर्न एनीथिंग इन अ बिट ऑफ टाइम। हर रोज सुबह 10 मिनट आप YouTube या Google पे सर्च करके हेल्दी ब्रेकफास्ट कैसे बनाना है उसे सीख सकते हैं। आपको सिर्फ टाइप करना है हाउ टू मेक जो भी आप चाहते हो। सप्ताह में 7 दिन, प्रतिदिन 10 मिनट, प्रति सप्ताह 1 घंटे से अधिक का अभ्यास, 1 महीने, 3 महीने, 1 वर्ष में जोड़ें और आप न केवल एक बेहतर शेफ होंगे बल्कि आप प्रत्येक सुबह अपने लिए एक बेहतर आधार निर्धारित करेंगे। कुछ नया सीखना और कुछ स्वस्थ खाना। इसके बाद सेकेंड, हैंड स्टैंड, पुशअप्स, क्रंचेस एक्सेट्रा करना शुरू कर दें, क्योंकि आपका बॉडी एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको अच्छा महसूस कराता है। जितना आप अपने लाइफ में, जितना आप अपने बॉडी पर काम कर रहोगे, उतने ही आपकी बॉडी की जरूरत जैसे कि नींद, भोजन, आराम होगी। पर हम में से ज्यादातर लोग अपना समय कंप्यूटर और मोबाइल फोन पे बिताते हैं, जिससे हमारे बॉडी का पोस्चर खराब हो रहा है और हमारी सेहत पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। सिर्फ 10 मिनट बॉडी वेट एक्सरसाइज से आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। फिर से वही बात आती है कि बॉडी वेट एक्सरसाइज कैसे करें, पर आप वापस से YouTube पर ये सब सर्च करके देख सकते हैं कि अपने सेहत को कैसे ठीक रखें और कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले एक बार उसके बारे में अच्छे से जांच लें कि वो एक्सरसाइज करना जरूरी है कि नहीं। और 10 मिनट आप डेली एक्सरसाइज सुबह के वक्त करें, देखिए फिर आपके लाइफ में कैसा चेंज धीरे धीरे आने लगेगा। थर्ड, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अगर आपको किसी ऐसे मीटिंग में बैठना पड़े जिसमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है और उससे आपको बहुत गुस्सा भी आता है, तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज विशेष रूप से आपके लिए है। और यह एकमात्र एक्सरसाइज है जो कि आसानी से सीखा जा सकता है। इसमें आपको सिर्फ सांस लेना है और छोड़ना है, लेकिन उनके प्रभाव जबरदस्त है। 10 मिनट के लिए अपने श्वास पर ध्यान दें। अगले प्रोजेक्ट या काम की कोई चिंता नहीं, क्या कारण है और कब के बारे में कोई भी चिंता, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना। 10 मिनट तक सांस ले और इससे आप बहुत शांत, कूल और टेंशन फ्री महसूस करेंगे, क्योंकि कोई भी अच्छा डिसीजन स्ट्रेस में नहीं लिया जाता। क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्म। क्रिएटिविटी एक मसल है जिसकी प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने क्रिएटिव मसल को तरोताजा रखना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि किसी भी मौके पर अपने क्रिएटिविटी से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें, तो इसे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हर दिन 10 मिनट के लिए 10 नए विचार, मतलब नए थॉट्स को आप एक पेज पे लिखना चालू कर दें, जो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ना कि वो जो कि आप फालतू में नहीं, जिसमें इंटरेस्ट है उसी में लिखना। वही थॉट्स को आप एक पेज में उतारोगे, उसके बाद उस एक एक थॉट्स को हर दिन प्रैक्टिस करना, हर दिन अपने नए थॉट्स के ऊपर काम करना, 10 मिनट या फिर 1 घंटा, जितना आपको लगे। और वो थॉट्स जो भी आप लिखोगे वो मजेदार होने चाहिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, फिर आप जो भी बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। हाँ, इम्पोर्टेंट है कि आप उसे एक बुक में लिखें या फिर एक किसी पेज पर लिख लें और उसे अपने सामने रखें, ताकि आप उसे हर दिन देखो और उसे प्रैक्टिस कर सको। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप क्रिएटिव बन जाओगे। जर्नल योर थॉट्स। जर्नलिंग इतना बेनिफिशियल हो सकता है, और यदि आप स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रहे हैं तो आपको गहराई से सोचना चाहिए। सिर्फ 10 मिनट के लिए एक पेज ले और उसमें जो भी आपके दिमाग में आता है उसे लिख ले, जिसमें से आपको यह समझ में आएगा कि कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आपको लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें होने लगेगी और आप हैप्पीली अपनी लाइफ को जी सकते हो। फिर आता है रीडिंग और लिसनिंग म्यूजिक। 10 मिनट का इनपुट अक्सर 10 मिनट के आउटपुट से ज्यादा बेहतर होता है, खासकर तब जब आप ड्रेन्ड फील करते हो। एक बड़ा नुकसान यह है कि लोग सोचते हैं कि जब वे थक जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए, पर 10 मिनट म्यूजिक सुनने से या फिर 10 मिनट के लिए आप कोई भी अपने पसंद की बुक पढ़ सकते हो, जिससे आप तरोताजा फील करोगे, आप रिफ्रेशिंग फील करोगे। उससे क्या होगा कि आप साथ ही साथ आपका थॉट्स, आइडिया इंप्रूव होने लगेंगे और आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, जिससे आपके अंदर एनर्जी भर जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इसी के साथ
जय हिंद, जय भारत।